welcome students. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to start lecture number 2 from chapter number 2. पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की डेफिनेशन के बारे में सीखा था, तो आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक. तो आए देखें कि पेज नंबर 30 पे फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो नंबर 1 ब्लैंक मिला हुआ है आपको. द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड. स्क्वायर रूट के सिंबल को क्या बोला जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. स्क्वायर रूट के सिंबल को रेडिकल बोला जाता है, ठीक है. सेकंड देखें फिल इन द ब्लैंक्स. द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन्स कितने डिजिट्स, ब्लैंक डिजिट्स. तो यहां पर एक फार्मूला है n / 2 और 4761. अब देखें इसमें चार नंबर हैं, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे. तो इसमें देखें 2, तो मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें 2 डिजिट्स आएंगे, तो ब्लैंक में हम 2 लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद नंबर 3 ब्लैंक देखें. द स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर के आगे वर्ड रूट आएगा. यहां पर थोड़ी पेंसिल से आप लिख दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन. थर्ड जो ब्लैंक होगा उसमें वर्ड आएगा लेस. किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो उस अगले नंबर से हमेशा कम ही आता है, ठीक है. चौथा नंबर ब्लैंक देखें. चौथा नंबर ब्लैंक क्या कह रहा है, द ब्लैंक मेथड is used to find the square root of a number that is not a perfect square. Perfect square का मतलब है कि अगर number आपको इस तरह का मिला हुआ है, point में मिला हुआ है 2.5, ये perfect square number नहीं है. इसका जो हम square root निकालेंगे ना, वो एक method होता है जिसको division method बोला जाता है. Division method use किया जाता है. अब पांचवा number देखें, 20 का square root. 20 again आपके पास perfect square नहीं है. 20 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे. अब देखें डिवीजन मेथड किस तरह से अप्लाई होगा. सबसे पहले आप क्या करें, पेयर्स बनाने होते हैं. एक पेयर तो बना हुआ है, दूसरे पेयर बनाने के लिए हमें क्या, दो जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है. उसके बाद जो फर्स्ट पेयर है इस पे लगानी पड़ेगी टेबल. टेबल कौन सी लगती है, नियरेस्ट टेबल लगती है. जैसे 2 2s are 4 4 4s are 16, 5 5s are 25 हो जाएगा. तो यहाँ पर 20 है तो हम 4 की टेबल लगाएंगे. 4 4s are 16, ये प्लस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे और 4 की टेबल लगाई हमने, ठीक है. अब देखें 8 की टेबल 4 पे नहीं जा रही, पॉइंट देकर एक पेयर हमने नीचे उतार दिया, ठीक है. अब देखिए अगेन हमने नियरेस्ट टेबल लगानी है. नियरेस्ट टेबल लगाने के लिए एक डिजिट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, दूसरा डिजिट कौन सा आएगा वो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नियरेस्ट नंबर के साथ. तो अगर हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये किस तरह से हमने एक नंबर रखा यहाँ पर, अब इन दोनों नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रखेंगे. 4 4 16, 1 ऊपर चला गया. यहाँ पर 4 8 32 + 1 33, तो ये हो गए 336. 400 से माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, मतलब दूसरी बार भी हमने 4 की टेबल लगाई, मतलब के 20 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपके पास 4.4, ठीक है. ये डिवीजन मेथड होता है बेसिकली, ठीक है. अब देखें, अब यहाँ पर आपने दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, ठीक है. पेज नंबर देखें 30 पर क्वेश्चन नंबर 2, 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर्स. 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट आपका फॉल्स हो जाएगा. नंबर सेकंड देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. ये ट्रू बात होगी कि इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन ही आता है, ठीक है. पांचवा तीसरा नंबर देखें, 2 पॉइंट, ये जो नंबर मिला हुआ है इज एन इरेशनल नंबर.
इरेशनल नंबर क्या होता है, वो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, ठीक है, मुख्तलिफ डिजिट्स आते रहते हैं, तो उस नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो यहां पर आपके पास तीसरा नंबर भी ट्रू आ जाएगा। चौथा नंबर देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन्स टू डिजिट्स। अब देखें 345 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, अगेन देखें इसमें तीन डिजिट्स हैं, तो तीन डिजिट्स के लिए हमें फार्मूला मिला हुआ है किताब में, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, एन मतलब इसमें तीन डिजिट है, तो यहाँ पर 3 + 1, एन की वैल्यू 3 आ गई अपॉन टू, ये आ गया आपके पास 4 upon 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स। तो अगेन देखें ये चीज भी ट्रू होती जा रही है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट नंबर 4 है कि 345 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 2 डिजिट्स आएंगे, तो बिल्कुल ये बात ट्रू है। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 भी आता है, तो ये बात भी आपके पास ट्रू हो जा रही है, यानी कि ये भी आपके पास ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर 1 मिला हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर 1 है 22.09। 22.09 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है, ये एक में सॉल्व करूंगा और दूसरा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने पढ़ा कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनको डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो भी डिवीजन मेथड से ही निकलेगा। यहां पर देखिए सॉल्यूशन 22.09, तो इसको इस तरह से डिवीजन मेथड में या मैं थोड़ा इधर करके लिखूं कि 22.09 डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं नंबर्स के क्या बनाने पड़ते हैं, पेयर्स बनाने पड़ते हैं, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। पेयर आप स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से बनाना, ठीक है, राइट हैंड साइड से पेयर, फिर अगर लास्ट वाला डिजिट अकेला बच रहा है तो उसके ऊपर ये इस तरह की केप देनी है हमें, ठीक है, ताकि पहली टेबल उस पे लगेगी। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपको पेयर्स पे टेबल लगानी पड़ती है, कंप्लीट पेयर पे, मतलब कि जो नियरेस्ट टेबल जाएगी इस पे 22 पे। जैसे अगर 3 3s are 9 हो रहा है, 4 4s are 16 हो रहा है, 5 5s are 25 हो रहा है, अब 25 तो इनसे इंक्रीज हो गया तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, 4 4s are 16 लगानी पड़ेगी, ये वाले वैल्यू प्लस ये वाले वैल्यू माइनस और हमने 4 की टेबल लगाई, ठीक है। तो यहां पर बाकी बच रहे हैं आपके पास 6 और आपने एक पेयर उतार दिया, ये प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 8, ठीक है, ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे 8। अगेन आपने 609 पर नियरेस्ट टेबल लगानी है जिसका एक डिजिट आपके पास मौजूद है, अगर 8 के साथ 7 रखे जाएं 87, 7 जो डिजिट आपने रखा इसी को फिर 7 के साथ पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 7 7 are 49, 4 ऊपर और ये 7 8s are 56 और आपके पास 4 हो जाएंगे यहाँ पर 60। तो ये देखिए 609 कंप्लीट टेबल जा रही है 7 की 7 टाइम्स, यानी कि 87 पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 609, बाहर वाले अगेन प्लस अंदर वाले माइनस करेंगे तो 00 आएगा यहाँ पर, अगेन आपने देखें 7 की टेबल लगाए तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4.7। एक पेयर के बाद पॉइंट है तो आपने ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट देनी है, यानी कि यहाँ पर आंसर आया आपके पास 4.7 आंसर, ठीक है।
इसका जो सेकंड वाला नंबर है वो आपको खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, और कोई बात समझ में ना आ रही हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में या डिवीजन मेथड के मुताबिक तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।